जिले में टिड्डी दल के संभावित हमले को देखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में एक टीम गठित कर दी है, जिसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि किसानों की फसलों को टिड्डियों से बचाने के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। साथ ही कृषि विभाग सहित अन्य विभागों को अलर्ट कर दिया गया है कि टिड्डियों के हमले से फसलों को बचाया जा सके। सीडीओ हर्षिता माथुर ने कहा कि जिले में रासायनिक पदार्थ की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अगर टिड्डियों का हमला होता है तो उसका छिड़काव किया जाएगा। सीडीओ ने किसानों से अपील की है कि अगर टिड्डियों का दल दिखाई दे तो शोर मचाकर उसे भगा दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा, जी ये टिड्डी दल के संबंध में जनपद स्तर पे भी एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें जो प्रमुख अधिकारी होते हैं जिसकी अध्यक्षता सीडीओ के द्वारा की जा रही है, और साथ में जो प्रमुख अधिकारी होते हैं जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जैसे कि डीडीएजी हैं, उद्यान अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं, और अन्य जो हमारे गन्ना अधिकारी हैं आदि, जो भी कृषि विभाग से संबंधित हमारे अधिकारीगण हैं, उन सभी को समिति में रखा गया है। वैज्ञानिक रूप से भी केवीके के जो वैज्ञानिक हैं उनसे सहयोग लेके इस दल के माध्यम से जो टिड्डी दल के आगमन और उनका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसकी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पे भी इसी तरह समितियां बनाई गई हैं, और न्याय पंचायत स्तर पे भी जो हमारे विभागीय प्राविधिक सहायक स्तर के अधिकारी हैं उन सभी लोगों को कॉन्टैक्ट पर्सन के रूप में नामित किया गया है, जहाँ पर किसान बता सकते हैं कि उनके यहाँ ऐसी कोई परेशानी आ रही है। हाल ही में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके संबंध में ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी समिति है, समिति के द्वारा ये देख लिया गया है कि जो रसायन की आवश्यकता होती है वो गोरखपुर में पर्याप्त रूप से हो, और जो निजी विक्रेताएं हैं उनको मैप कर लिया गया है ब्लॉक स्तर पे, साथ ही साथ एक कंट्रोल रूम भी स्थापित कर लिया गया है, जहाँ यदि किसान कहीं भी टिड्डी दल को देखते हैं, पाते हैं, या उनका अटैक होने का कोई अंदेशा होता है तो उसके संबंध में सूचना दे सकते हैं। इस तरह माने जनरली रूप से भी किसान इसको बचा सकते हैं, स्थानीय लोग, इस तरह का कोई ऐसा उपाय है जिससे वो उसको बचा सकते हैं, बच सकते हैं? जैसा आपने कहा कि जो हमारे पूर्व से ही जो अपनाए जा रहे तरीके हैं, रसायन जो होता है उसका नॉर्मली छिड़काव किया जाता है, परंतु जो दिन का समय होता है और जो टिड्डी दल ना रुके उसके लिए जो आवश्यक होता है वो वही लोकल तरीके होते हैं जिनसे हम लोग करते हैं, जैसे कि कनस्टर पीटना या शोर मचाना, जो अन्य तरीके होते हैं जिससे कि टिड्डी जिस भी क्षेत्र में पहुँची है वहाँ पर सेटल ना करे, और इसी का परिणाम होता है कि जिस क्षेत्र से होता है कोशिश की जाती है कि वो वहाँ पर सेटल ना करें जिससे कि नुकसान ना हो। रासायनिक पदार्थों का छिड़काव भी किया जाता है? जी जी, जैसा मैंने बताया कि जब वो सेटल होने लगती है टिड्डी दल तो रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी मैपिंग जनपद में कर ली गई है और ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।